तो दोस्तों आज तारीख है 14 फरवरी 2023। तो आज की ताज़ा खबर मक्का समाचार सुनते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मेरे वीडियो को और शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर है, इट रेड एट बीबीसी दिल्ली ऑफिस, गुजरात दंगों पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट को लेकर उठे विवाद। दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। बताया जा रहा है कि दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, कर्मचारियों को फंड जब्त कर लिया गया है, किसी को भी बाहर जाने का इजाजत नहीं है। इस बीच ट्विटर पर लोग इस छापे कार्रवाई को लेकर तरह तरह की बातें कर रही है। किसी का कहना है कि होना ही था, तो कोई सवाल कर रहा है कि बीबीसी को कौन फंडिंग दे रहा है। हालांकि आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर अभी कोई ऑफिशियल वायरल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी बीबीसी ऑफिस के कुछ सर्व कर रहे हैं। इस बीच ट्विटर पर कार्रवाई को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाओं को बात जा रही है। अगली खबर है, राजस्थान के उदयपुर जिले के अम्बामाता थाना इलाके में बीते हुए हफ्ते बजरंग दल के विभाग सृजन राजू परमार की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को कब्जे से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करने हुए कहा कि उससे अपने हाथी प्रीतम सिंह और बंटी के साथ मिलकर राजू की हत्या की। पुलिस ने जांच के दौरान पाया है कि राजू पर मार की हत्या संपत्ति विवाद और दुश्मनी के अंगल सामने आया है। वही इस वारदात इंस्टीट्यूट दिलीप नाथ की भूमिका भी संदिग्ध होने बात कही गई है।